दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। आइए नजर डालें कुछ खास एसपी की शराब ले जाते वाहन के साथ दबोचे गए दो युवक। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुई खदान ब्लॉक अंतर्गत गंडई थाना ने गत शनिवार को ग्राम मानपुर चौक में चार पहिया में ले जाते हुए 40 पेटी देशी मदिरा को जब्त कर दो युवक को गिरफ्तार किया गया। 40 पेटी शराब की कीमत 1,00,000 रुपए आंकी गई है, वहीं वाहन की कीमत लगभग 4,00,000 रुपए है, जिसे सूचना मिलने पर गंडई पुलिस ने नर्मदा सलहेवारा रोड में ग्राम मानपुर चौक में धर दबोचा। कल दिनांक 18/1/2020 को मुंबई सूचना प्राप्त हुआ कि सलहेवारा क्षेत्र तरफ से एमपी से एक लाल कलर की गाड़ी दिल्ली पासिंग आ रही है, जिसमें शराब होने की सूचना मिली थी। इसको जिस सूचना तरीके के तो हमारा स्टाफ नर्मदा सलहेवारा जाने वाली रोड पे नाकाबंदी मानपुर चौक के पास कर रहे थे, तो उधर से लाल कलर की गाड़ी आई जो दिल्ली पासिंग था, जिसको रोक कर पूछताछ किया गया, जिसमें पूछताछ करने पर पता चला और उस गाड़ी में जो शराब थी, तो जिसके द्वारा बताया कि ये गाड़ी इसमें 40 पेटी दारू प्राप्त हुई और इस संबंध में पूछताछ किया, जिसके द्वारा कोई दस्तावेज नहीं बताया, जिसको मौके पर कार्रवाई की गई, जिसमें दो आरोपी थे। एक का नाम था अमित मिश्रा और दूसरा था आदित्य मानिकपुरी, दोनों जो है भिलाई के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से 40 पेटी मौके पर बरामद की गई है, जिनको जुडिशियल रिमांड पर आज दिनांक को भेजी गई है। लगभग कितने कीमत की आंकी गई शराब की कीमत जो है लगभग 1,00,000 की है और गाड़ी की कीमत 4,00,000 की, कुल जो है 5,00,000 की है। अपने नाम पद बता दें। नाम और पद मैं निरीक्षक शिवचंद्र थाना प्रभारी गंडई। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।